हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में कुछ बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं और सभी लोगों को पता भी हो गई होगी क्योंकि काफ़ी समय बीत गया है, यानी शाम हो गई, रात हो गई और सुबह ही न्यूज़ आ चुकी थी। और जैसे ही न्यूज़ आई वैसे ही पूरी तरह सभी ग्रुपों में और मीडिया पर, ट्विटर पर, सभी जगह छा गई। तो ठीक है, ये एक हिस्ट्री का डे बन जाएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि क्रिप्टो करेंसी से जो बैन लगा हुआ था वो हट जाएगा। अब क्रिप्टो करेंसी आप डायरेक्ट बैंक से खरीद बेच सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। तो ये अप्रैल यानी 2018 में इसका बैन जो सेंट्रल बैंक यानी RBI के द्वारा लगा दिया गया था। और अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जो क्रिप्टो करेंसी पर जो ट्रेडिंग होती थी उस पर बैन लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी न्यूजेस हैं और आपको जब आप न्यूज़ देखेंगे उसमें बहुत सारे आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे और वीडियो भी मिलेंगे उसके रिलेटिव। तो अभी बहुत सी क्रिप्टो करेंसी पम्प होने लगी है, धीरे धीरे उनका रेट बढ़ने लगा है। तो अभी आप चाहें तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप जो अच्छी हो वो ख़रीद सकते हैं और फ्यूचर के लिए उसे रख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप 2017 में जब लोग सोच रहे थे, जैसा कि लोगों ने बहुत पैसा कमाया हुआ था उस समय, और जब हमारी बारी आई तो उस समय तो क्रिप्टो करेंसी ही बैन हो गई। तो उस समय का मैं इंतज़ार कर रहा था और फाइनली आज वो दिन आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट से खरीद बेच सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो वहाँ पर 10 पॉइंट कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आप लेन देन कर सकते हैं। और ऐसा फ्रेंड्स, कोई भी ऐरा गरा नथू खैरा कोई क्रिप्टो करेंसी मत लेना जिसके CEO सिर्फ उसको क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी जारी कर देते हैं, इसके बाद में जब देने की बारी आती है, पैसे देने की बारी आती है, तो कहीं भी वो बिल में छुप जाते हैं धूम दबा के। तो ऐसी क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल ना खरीदें जिसका कोई भी मीनिंग ना हो। फाइनली मैं एक और बात बताता हूँ कि बहुत से लोगों के फ़ोन आते थे मेरे मोबाइल पर, कहते थे सर ATC में उनने पैसा लगाया और वो कहीं ना कहीं हमारा लॉस गया है। और तो मैं उन लोगों को ये बता दूं, वो हमेशा बताता भी रहता था उनको, देखिए आप ATC के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि सबसे पहले जब भी सुप्रीम कोर्ट का ये नया फैसला आएगा कि आप सीधे बैंक से लेन देन कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो हलचल मचेगी वो ATC में ही मचेगी। ATC से जैसे पहले रिचार्ज होते थे, मोबाइल रिचार्ज, एरोप्लेन टिकट, ये सब होते थे, उसी तरह से आप इसमें भी रिचार्ज, एरोप्लेन टिकट और ये सब कर पाएंगे और ट्रेडिंग भी कर पाएंगे जब इनका लिस्ट होगा। क्योंकि उस समय जो लिस्ट हुआ था एक्सचेंज पर, तो बहुत से लोगों ने उसमें ट्रेडिंग की और बहुत अच्छा खासा अर्निंग भी किया। और इसमें अर्निंग सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, लेकिन आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश और ट्रेडिंग वगैरह आना चाहिए। तो इसमें कुछ दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अप्रैल 2018 में केंद्रीय बैंक ने बिटकॉइन जैसी आवासीय मुद्राओं के लिए, मुद्राओं के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए नियम कड़े कर दिए थे, यानी आप उसमें लेन देन नहीं कर सकते थे, ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते थे। आपका पैसा ये वैद्यनाथन द्वारा रिपोर्ट, संदीप सिंह द्वारा संपादित एजेंसियों के इनपुट के साथ, अरे यहाँ पर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्राओं में व्यापार पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा लगाए गए पहले के प्रतिबंध को ख़त्म करते हुए क्रिप्टो करेंसी से निपटने की अनुमति दी। और ये कहा है कि उसमें जो नियम और कायदे हैं, रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएं इसके ट्रेडिंग के लिए और लेन देन के लिए, बाई सेल करने के लिए, तो विकास क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया। क्योंकि RBI ने ऋणदाताओं को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों और व्यापारियों के लिए बैंकिंग लेन देन की सुविधा से प्रतिबंधित कर दिया था। कोई भी बैंक डायरेक्ट बैंक से बाई सेल नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर क्या है कि शीर्ष अदालत के आदेश ने भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंध पर आपत्ति जताते हुए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IMAI द्वारा एक दलील दी। उद्योग निकाय जिनके सदस्यों ने एक दूसरे के बीच क्रिप्टो करेंसी लेन देन किया था, ने दावा किया था कि आवासीय मुद्राओं के माध्यम से वैध व्यापार गतिविधि पर प्रभावी ढंग से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 10 पॉइंट यानी 10 पॉइंट कुछ इस तरह से थे। तो इसमें पहला पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है कि जस्टिस रोइंटन नरिमन, अनिरुद्ध बोस और वी राम सुब्रमण्यम तीन जजों के बीच ने फैसला सुनाया। शाम को विस्तृत निर्णय की उम्मीद थी।
इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है, IMAI ने तर्क दिया था कि क्रिप्टो करेंसी कड़ाई से मुद्रा नहीं है और कमोडिटी की प्रकृति में अधिक थी और RBI के पास क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने के वाले कानून के अभाव में इस तरह के प्रतिबंध लगाने की शक्तियाँ नहीं हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, RBI ने तर्क दिया कि यह 2013 से सही था, क्रिप्टो करेंसी के उपयोगकर्ताओं को सावधान कर रहा था और यह क्रिप्टो करेंसी को भुगतान का एक डिजिटल साधन मानता है जिसे कली में स्नैप किया जाना है ताकि देश में भुगतान प्रणाली खतरे में ना पड़े। नियामक ने यह तर्क भी दिया कि क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले लेने का अधिकार है। इसके बाद में अगला पॉइंट है, अप्रैल 2018 में केंद्रीय बैंक ने आभासी मुद्राओं जैसे बिटकॉइन के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए नियमों को कड़ा कर दिया था। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को किसी भी संबंधित सेवाएं प्रदान करने से रोक दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय बैंक ने आभासी मुद्रा में काम करने वाले व्यक्तियों या व्यवसायों के साथ सभी बैंकिंग संबंधों को स्नैप करने के लिए 3 महीने का समय दिया। यह प्रतिबंध सरकार द्वारा अवैध मानी जाने वाली निजी आभासी मुद्राओं से देश की वित्तीय प्रणाली रिंग फेंसिंग के उद्देश्य से था, यानी उनको ऐसा लग रहा था कि यह अवैध है, क्रिप्टो करेंसी अवैध, इसलिए उन्होंने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद में छठा पॉइंट है, इनक्रिप्शन तकनीकों का उपयोग मुद्रा की इकाइयों की पीढ़ी को विनियमित करने और निधियों के हस्तांतरण को सत्यापित करने के लिए किया जाता है जो एक केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। इसके बाद में फ्रेंड्स सातवां पॉइंट, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बीच सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय इस साल अब तक लगभग आधे से सराहना की गई और पिछले महीने इसने अक्टूबर के बाद पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले डॉलर 10,000 का आंकड़ा छुआ, यानी आधे से ज़्यादा लोगों ने इसकी सराहना की, इसकी तारीफ की और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10,000 का आंकड़ा भी छुआ, इसलिए ये भी पॉइंट अहम है। आठवां पॉइंट है, अन्य प्रमुख क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन के साथ ऐसे संबंध में स्थानांतरित होते हैं इस वर्ष भी प्राप्त हुए हैं, जबकि इथेरियम दोगुना से अधिक हो गया है। रिपल की XRP 75% से अधिक है, यानी अब जो भी क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन से रिलेटिव और भी, तो उनका रेट भी इसमें इम्प्रूव हुआ है, रेट बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिटकॉइन का 11 साल का इतिहास तेज़ी से आरोही और समान रूप से तेज़ी से डूबने से भरा हुआ है। 2017 के अंत में यह लगभग $20,000 तक पहुंचने के लिए केवल 35 दिनों में 3.5 गुना बढ़ गया। इसके बाद 7 सप्ताह में यह 70% लुढ़क गया। इस तरह के जंगली और अकथनीय झोलों के कारण बिटकॉइन का एक कामकाजी मुद्रा बनने के लिए संघर्ष का सामना करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 10वां पॉइंट ये है, जबकि दुनिया भर के कई नियामक बिटकॉइन में ट्रेडिंग के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं, कुछ ने इसका समर्थन किया। 2017 में जापान ने बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया और यहां तक कि आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों को क्रिप्टो करेंसी में व्यवहार किया। तो बहुत से जो देशों में है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लागू किए गए, और फाइनली जैसे कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी का ATM भी लगा हुआ था लेकिन वो बंद हो गया था। तो फाइनली जो डेट ये आई है, इसी ने जो फैसला दिया है, इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर फिर से ATM लगेंगे और बहुत तेज़ी से इसी साल ही जो लोग अर्न नहीं कर पाए बहुत तेज़ी से अर्निंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगी होगी और सबसे पहले आप लोगों ने न्यूज़ प्राप्त कर ली होगी, लेकिन अभी तक यदि न्यूज़ नहीं मिली हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड वेस्ट ऑल लक।